हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज चंद्रजी पांगे, फैकल्टी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकोम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। अवर सब्जेक्ट नेम इज बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, चैप्टर नेम इज इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्किट एंड टॉपिक नेम इज टेम्परेचर कंट्रोलर यूजिंग SCR। सेशन आउटकम, आज के टॉपिक के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है वो देखते हैं। स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड टेम्परेचर कंट्रोलर यूजिंग SCR, यानी SCR से SCR की हेल्प लेके अपने को टेम्परेचर कंट्रोलर बनानी है। स्टूडेंट कोई भी एक चीज़ करने के पहले रिवीजन करना ज़रूरी है, तो रिवीजन ये सब्जेक्ट में हर टॉपिक SCR से डिपेंडेंट है। इसका जो पहला जो अपना टॉपिक था SCR, उसी टॉपिक से मैक्सिमम टॉपिक डिपेंडेंट है, इसलिए ये टॉपिक को हर बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि एक डायोड इस तरीके से था, इसमें एनोड और कैथोड तो पहले भी सीखे थे, इसमें एक गेट टर्मिनल रहता था। गेट टर्मिनल क्या करता है दोस्तों कि ये जो डायोड है, ये डायोड का अभी नेक्स्ट नाम क्या है, इसमें गेट लग गया तो SCR, अगर गेट नहीं लगता तो ये डायोड रहता, और गेट लग गया यानी इसका मतलब ये SCR हो गया। तो इसमें क्या बताया था कि चार लेयर रहते, लेयर यानी क्या, ये PN, ये चार लेयर, उसके बाद तीन जंक्शन, जंक्शन यानी क्या, P और N के बीच में जो लाइन दिख रही है उसे कहते हैं जंक्शन। तो यहाँ कितने जंक्शन दिख रहे हैं, एक दो तीन, तीन जंक्शन दिख रहे हैं, तीन टर्मिनल, एनोड, कैथोड और गेट, ठीक है। तो ये SCR का काम, तो इसमें क्या देखे थे अपन ने, एनोड को पॉजिटिव दिया, कैथोड को निगेटिव दिया, तो ये ऑन फॉरवर्ड बायस नहीं होता। ये वर्ड मैं आपको बताया था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है, ये वर्ड आपको एकदम दिमाग में फिट रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट यानी कब, एनोड को जब पॉजिटिव दिया और कैथोड को जब निगेटिव दिया, तब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है, यानी ऑन नहीं होता, ऑन होने के कंडीशन में आ जाता है। ऑन कब होता है दोस्तों, ये जब ये गेट को अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एनोड को जैसे पॉजिटिव सप्लाई दिए जंक्शन J1 ब्रेक होता है, कैथोड को जैसे निगेटिव सप्लाई दिए जंक्शन J3 ब्रेक होता है। अब J1 भी ब्रेक हो गया, J3 भी ब्रेक हुआ, हुआ कौन सा नहीं, J2। और ऑन होने के लिए कंडीशन है कि तीनों जंक्शन ब्रेक होना चाहिए, तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है, तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है, तो उसके लिए इसका ब्रेक करने के लिए नया चीज आ गया गेट। गेट को अगर अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं उस टाइम पे ये J2 जंक्शन ब्रेक होता है और अपना डिवाइस ऑन होता है। तो ये SCR के बारे में रिविजन थी शॉर्ट में, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल रहता है, हमेशा करंट एनोड टू कैथोड तक जाता है, और गेट टर्मिनल से इसका इसका जो ऑपरेशन है, ऑन रखना है या ऑफ रखना, इसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। आज के टॉपिक का नाम है टेम्परेचर कंट्रोलर यूजिंग SCR। तो यहाँ पे एक हीटर लगाया हुआ है, ये SCR है और ये मर्क, तो टेम्परेचर कंट्रोलर यूजिंग SCR यानी अपने को क्या करना है कि ये हीटर को ऑफ या ऑन, ये अपने हाथ में रहना चाहिए, इसमें कंट्रोल होना चाहिए ऑटोमेटिकली ये विद द हेल्प ऑफ SCR की मदद लेके। तो यहाँ पे अपन ने एक पॉट लिया हुआ है जिसमें मर्क्यूरी डाला गया है। तो मर्क्यूरी की आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी याद रखना है, मर्क्यूरी की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे इसकी आजू बाजू की हीट बढ़ती है वो एक्सपांड होता है, और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि मर्क्यूरी में से करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो प्रॉपर्टी इसमें याद रखना है मर्क्यूरी की, कि मर्क्यूरी जैसे उसके आजू बाजू में हीट दिया, यानी हीटर इसके बाजू में लगा हुआ है, जैसे हीट दिया ये एक्सपांड होगा
यानी बढ़ती जाएगा, ये पहले आधा भरा हुआ था और जैसे एक्सपेंड किया, जैसे हीटर लगाया हीट इसके बाजू में, तो ये हीट होके ये एक्सपांड होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी है मर्क्यूरी की कि इसमें से करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, इसका वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले इसको इनपुट सप्लाई देंगे, इनपुट सप्लाई देने के बाद यहाँ से या ये सप्लाई यहाँ से होते हुए गेट सप्लाई को वगैरह मिलेगा, और गेट सप्लाई से होते हुए ये SCR यहाँ पे ऑन होगा। ऑन होने के बाद क्या होगा कि ये करंट कैसे फ्लो होगा, इनपुट सप्लाई, उसके बाद हीटर, उसके बाद डायोड D2, SCR, डायोड D3 और रिवर्स। तो ये करंट कैसे फ्लो होगा एक बार फिर से, पॉजिटिव हीटर, डायोड D2, SCR, डायोड D3 और निगेटिव सप्लाई। जब करंट ऐसा फ्लो हो रहा था हीटर, यहाँ पे हीटर इसके वजह से ऑन हुआ, हीटर ऑन हुआ तो क्या हुआ, और यहाँ पे मर्क्यूरी उस वक्त आधा भरा हुआ था। यहाँ पे पिक्चर में आपको फुल भरा हुआ दिख रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में आधा भरा हुआ था, यानी आधा इसमें फिल्ड था। लेकिन जैसे हीटर अब ऑन हुआ इसके बाजू की, यानी हीटर ऑन होने के वजह से ये एक्सपांड होते गया, यानी ऊपर ऊपर आते गया। जैसे ये एक्सपांड हुआ ये दोनों टर्मिनल इसके अंदर डूब गए, उसके अंदर वो चले गए। जैसे इसके अंदर ये चले गए, ये इसकी प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी कि ये इसमें से करंट फ्लो होता है, यानी ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो गए। दोनों टर्मिनल शॉर्ट होने के वजह से SCR बंद हुआ। SCR बंद हुआ तो फिर क्या होगा, ये सर्किट यहाँ से जो करंट जा रहा था वो यहीं पे आके रुक जाएगा, क्योंकि SCR बंद है। SCR बंद होने के वजह से हीटर अपने आप ये ऑफ हो गया। तो यहाँ पे सिंपल वर्किंग था, ये सबसे पहले मर्क्यूरी हाफ भरा हुआ था, तो ये टर्मिनल ऊपर थे, ओपन थे ये टर्मिनल। लेकिन जैसे ये हीटर ऑन हुआ, ऐसा करंट इसमें से फ्लो हुआ, तो अब ये हीटर ऑन होने के वजह से मर्क्यूरी की पहली प्रॉपर्टी अप्लाई हुई कि हीटर, ये हीटर ने ये मर्क्यूरी को एक्सपांड किया ऊपर ऊपर में, और ये दोनों टर्मिनल इसके अंदर डूब गए। और दूसरे इसकी प्रॉपर्टी अपन ने यूज की कि इसमें से करंट फ्लो हो सकता है, तो ये दोनों टर्मिनल इसके वजह से शॉर्ट हो गए। शॉर्ट होने की वजह से SCR बंद हुआ। SCR बंद हुआ तो ये करंट यहाँ पे अपना सर्किट कंप्लीट नहीं कर पाया, और इसके वजह से हीटर ऑफ हो गया। ये इसका वर्किंग है। ये इस तरीके से SCR, जब इसमें से करंट फ्लो नहीं होता, SCR ऑफ रहता है और हीटर ऑफ रहता है, क्योंकि पॉट के अंदर में ये टर्मिनल ए और टर्मिनल बी शॉर्ट हो चुके हैं। तो शॉर्ट ए एंड बी टर्मिनल, गेट कैथोड टर्मिनल ऑफ द SCR शॉर्ट हो गए, इस वजह से ये बंद हो गया। अपन ने क्या पढ़ा इसमें, टेम्परेचर कंट्रोलर यूजिंग SCR। इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं बोर्ड में, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टेम्परेचर कंट्रोलर यूजिंग SCR। थैंक यू दोस्तों।